सब्जियों में टमाटर एक ऐसी फसल है जिसमें कीटों का प्रकोप कुछ अधिक ही होता है, जिसका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो किस प्रकार से करें इनका नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बांसोड़ जिला अलवर के सहायक कृषि अधिकारी सुरेश यादव। टमाटर की फसल हमारी सब्जी की बहुत महत्वपूर्ण फसल है और बिना टमाटर के हम सब्जी की कल्पना भी नहीं कर सकते, तथा टमाटर में उच्च पोषक तत्व कैल्शियम, फास्फोरस, अनेक विटामिन सी पाए जाते हैं, जैसे टमाटर की फसल में अनेक कीटों का प्रकोप होता है जिससे किसानों को बहुत अत्यधिक नुकसान होता है। जैसे अगर बात करें तो टमाटर की फसल में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है। सफ़ेद मक्खी के शिशु और प्रौढ़ दोनों ही पत्तों पर रस चूसते हैं, तथा साथ में ही रस चूसने से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और ये भोजन का निर्माण नहीं कर पाती हैं, जिससे पौधों की उचित वृद्धि नहीं होती है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में कई प्रकार के कीटों का आक्रमण होता है, जिनकी सही समय पर पहचान करके प्रबंधन किया जाए तो वाकई किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं टमाटर की फसल में हानिकारक कीटों की पहचान एवं नियंत्रण के बारे में। सफेद मक्खी कीट की पहचान, यह कीट छोटा या सफेद रंग का होता है। इसके प्रौढ़ व निम्फ दोनों ही पौधे का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण पौधे कमजोर हो जाते हैं। अगर पौधों के आसपास पानी भरा हुआ है तो नुकसान और अधिक गंभीर हो सकता है। सफेद मक्खी टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग वाहक का कार्य भी करती है, जिससे फसल में और अधिक नुकसान होने का खतरा हो जाता है। तो किसान भाइयों को इस सफेद मक्की की रोकथाम के लिए 4% नीम पत्ती सत और या नीम बीज सत के घोल का छिड़काव करना चाहिए, तथा रोग ग्रसित पौधों को बाहर निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रकोप होता है इसका, ETL लेवल से अगर ऊपर जाता है तो हमें 0.5 ml पर लीटर पानी में इमिडा क्लोरोपिड 17.8 SL उपयुक्त कीटनाशी मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरे कीट की बात करते हैं, इसके साथ ही इसमें लीफ माइनर जिसको कहते हैं पत्ती सुरंग कीट, तो इस कीट का भी प्रकोप होता है। इस कीट के शिशु पत्तियों को खाते हैं तथा पत्तियों में सुरंग बनाते हैं और पत्तियों के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी एक वाइट कलर की रेखाएं हो जाती हैं, जिससे भी पौधों का उचित विकास नहीं होता है, फूल नहीं आते हैं। अतः इस कीट के नियंत्रण के लिए भी किसान भाइयों को 4% NSK नीम बीज सत के घोल का छिड़काव करना चाहिए, और अगर इस कीट का ज़्यादा प्रकोप होता है तो 0.5 ml इमिडा क्लोरोपिड कीटनाशी का छिड़काव करना चाहिए। टमाटर बनते हैं तो टमाटर में एक टमाटर फल भेदक कीट का प्रकोप होता है, जिसको हेलियोथिस सूंडी के नाम से हम जानते हैं। यह सूंडी टमाटर के फलों में प्रवेश कर जाती है तथा जो अंदर का भाग होता है उसको खाती रहती है, और कुछ समय बाद में हमारा टमाटर की गुणवत्ता बिल्कुल कम हो जाती है और किसान भाइयों को उचित भाव नहीं मिल पाता है। फल छेदक कीट, इस कीट का वयस्क भूरे रंग का तथा लट हरे रंग की होती है। इस कीट की सबसे हानिकारक अवस्था ही लट होती है। लट शुरू में मुलायम पत्तियों पर हमला करती है तथा बाद में फलों पर आक्रमण करती है। एक लट 2 से 8 फल नष्ट करने में सक्षम होती है। फलों पर किए गए छेद गोल होते हैं। इसका आक्रमण हरे फलों पर अधिक होता है, जिससे अम्लता बढ़ जाती है और ऐसे फल उपभोक्ताओं द्वारा पसंद नहीं किए जाते तथा बाजार में इसका भाव भी नहीं मिलता। तो इस कीट के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए किसान कौन से उपायों को अपनाए, वह इस प्रकार है। NPV जो जैविक कीटनाशक हैं, जैसे न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, NPV 250 LE 750 ml पर हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए, और दूसरा जैविक जो हमारा कीटनाशक है BT लगभग 1 kg प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, और अगर ज़्यादा प्रकोप होता है तो उपयुक्त कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए ताकि किसान भाई इसके प्रकोप से बच सकें। टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचाने वालों में एक कीट तंबाकू की सूंडी है, तो इस कीट को किसान कैसे पहचाने और नियंत्रण के लिए कौन से उपाय करें, चलिए इस बारे में भी जान लेते हैं। हेलियोथिस के साथ साथ इसमें एक तंबाकू सूंडी का भी प्रकोप होता है, जो पत्तियों को खाती है। इस सूंडी के प्रकोप से भी किसान भाइयों को बचने के लिए
एनपीवी जो जैविक कीटनाशक हैं, जैसे न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस एनपीवी 250 LE 750 ML पर हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। और दूसरा जैविक जो हमारा कीटनाशक है बीटी, लगभग 1 kg प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और अगर ज़्यादा प्रकोप होता है तो उपयुक्त कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए ताकि किसान भाई इसके प्रकोप से बच सकें।